आ जाओ भाई परमुटेशन के ऊपर। परमुटेशन का वर्ड जो है ये स्टूडेंट को काफी कंफ्यूज करता है, वो समझते हैं परमुटेशन पता नहीं क्या चीज है, क्या हमने इसके अंदर करना है। तो परमुटेशन एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। परमुटेशन को आप इस तरह समझो कि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। कोई भी आपके पास वर्ड है या आपके पास कोई भी नंबर है, उसको आपने डिफरेंट तरीके से अरेंज करना है, उसको आप परमुटेशन बोलोगे। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मेरा नाम है साध, ठीक है। अब इसकी एक अरेंजमेंट क्या हो सकती है, अच्छा हम परमुटेशन में कहते हैं कि सेंस बने या ना बने, वर्ड वो बन रहा हो या ना बन रहा हो, लेकिन अरेंजमेंट होनी चाहिए बस। तो एक अरेंजमेंट ये है, ये तो इत्तेफाक से वर्ड बन गया असद, ठीक है। अच्छा इसी तरह एक वर्ड हो जाएगा डी ए ए एस, दस कर लो इसको, ठीक है। तो अब बात आपको समझ आ रही होगी कि इस वर्ड को डिफरेंट तरीके से आपने अरेंज करना है, जो भी तरीके उन सबको परमुटेशन बोलोगे। ये पहली परमुटेशन है, दूसरी परमुटेशन, तीसरी परमुटेशन, हर अरेंजमेंट को आप क्या बोल रहे होते हो, परमुटेशन बोल रहे होते हो। तो सबसे पहली बात तो जहन में क्लियर कर लो कि परमुटेशन कोई आसमान से नहीं चीज आई, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जिसको आप बोलते हो अरेंजमेंट। दूसरी बात कि परमुटेशन में, परमुटेशन के अंदर होता क्या है कि ऑर्डर मैटर कर रहा होता है। ऑर्डर मैटर करने का मतलब, क्योंकि अरेंजमेंट है ना तो ऑर्डर मैटर करेगा उसके अंदर। अगर आप एस ए ए डी लिखो या आप ए एस ए डी लिखो तो ये ऑर्डर मैटर कर रहा है। इसमें ऑर्डर था कि पहले एस आ रहा है, फिर दो ए आ रहे हैं, फिर डी आ रहा है। इसमें ऑर्डर क्या है कि पहले ए, फिर एस, फिर ए, फिर डी। उसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो परमुटेशन को डिफाइन करने का तरीका है कि अरेंजमेंट, और ऐसी अरेंजमेंट ऑब्वियसली जब अरेंजमेंट की बात की गई है तो इसके अंदर ऑर्डर मैटर कर रहा होगा। ये है परमुटेशन। अब परमुटेशन के केसेज होते हैं, तीन चार रूल हैं, उनको हम जरा देखते हैं के क्या होते हैं वो। सबसे पहला रूल जो है वो परमुटेशन का फॉर्मूला है। परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि आपके पास टोटल पांच ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। मैं ज़रा बात करता हूँ, आपके पास ए बी सी डी, चार कर लेते हैं, आपके पास चार लेटर्स हैं। अगर मैं आपको बोलूँ इन चार लेटर से आप दो लेटर का वर्ड बनाओ, चार लेटर्स हैं और आप दो लेटर्स का वर्ड बनाओ, जैसे ए बी, या आप सी डी कर लो, या आप ए डी कर लो, या आप बी डी कर लो यहाँ पे, या आप ए सी कर लो यहाँ पे, तो आपने क्या कर रहे हो, आप चार लेटर से दो लेटर का वर्ड बना रहे हो। अच्छा ये सारे वर्ड बने हैं, इनको आपस में भी अरेंज कर सकते हो, मतलब ए बी को आप कर सकते हो बी ए, सी डी को कर सकते हो डी सी, फिर डी ए। कहने का मतलब ये कि आपको बात समझ आ रही होगी कि चार लेटर्स हैं, उनको आपने दो लेटर का वर्ड बनाना है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज आपके पास आ रही हैं। अब इन पॉसिबिलिटीज को लिख के मालूम करना बहुत लंबा प्रोसेस है कि आप देखते जाओ कि यार कितने आपके पास दो लेटर के वर्ड आ रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला है परमुटेशन का, और फॉर्मूला क्या है, एन पी आर। मतलब क्या है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। आपके पास वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी है, नंबर ऑफ ऑप्शंस कह लो आप, कि आपके पास चार ऑप्शन है, यहां पे चार में से एन को आप क्या बोलोगे, फोर बोलोगे। आपने कितने चूज करने हैं, आपने यहां पे दो चूज करने थे ना, तो आर क्या होता है कि आपने कितने चूज करने हैं। तो एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे इस एग्जांपल को अगर आपने सॉल्व करना है तो इसका सॉल्यूशन होगा, चार ऑब्जेक्ट हैं, आपने एट अ टाइम टू चूज करने हैं, तो इसका आंसर होगा फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फोर माइनस टू फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल। जब इसको आप सॉल्व करोगे, फोर फैक्टोरियल 24, टू फैक्टोरियल 2 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब इन चार लेटर से आप दो लेटर के 12 वर्ड बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास कैसे आया, इस फॉर्मूले से आपने मालूम कर लिया। अब ये चीज़ आपको बार बार खुद कैलकुलेट नहीं करनी, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आप 4P2 कैलकुलेटर में लिखोगे, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा, ठीक है। अच्छा अब अच्छा इसमें ये जहन में रखना कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ये वाला फॉर्मूला हो गया या एक और फॉर्मूला जो भी मैं बताऊंगा, उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउ होती है ना, तो आप नॉर्मली परमुटेशन के फॉर्मूले से नहीं कर रहे होते उसको, वो एक डिफरेंट फॉर्मूला होता है, या तो आप ये काउंटिंग प्रिंसिपल से कर लेते हो या अलग कॉन्सेप्ट होता है। वो जब सवाल आएगा ना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ज़्यादातर रिपीटेशन वाले नंबर आते हैं कि आपके पास ये 1, 2, 3 ये चार डिजिट हैं, आपने 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें रिपीटेशन अलाउ है, तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। वो जब मैं एग्जांपल करवाऊंगा ना तो आपको बता दूंगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला और जो एक और फॉर्मूला मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। तो रिपीटेशन का मतलब ये होता है कि ए और बी एक ही दफ़ा यूज़ हुआ है,
मतलब यहाँ पे एक लेटर इस तरह भी हो सकता था ए ए, तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आपको वही आंसर देगा जिसमें रिपीटेशन ना हो, इस टाइप के लेटर्स होना ये आपको दे रहा होता है। दूसरा ये है कि देखो जब आपके पास एन ऑब्जेक्ट है और आपने एन ही चूज करने हैं, जैसे मेरे पास से चार लेटर्स थे और आपने चार लेटर का ही वर्ड बनाना है, तो अब कितने पॉसिबिलिटीज होंगी? इसको आप इस तरह लिख सकते हो एन पी एन, कहने का मतलब जितने ऑब्जेक्ट हैं आपने आर क्या है यहां पे, कितने चूज करने हैं, आपने जितने ऑब्जेक्ट हैं उतने ही चूज करने हैं। अगर एन ऑब्जेक्ट थे आपने एन ही चूज करने हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, यहां पे अगर आप आर की जगह एन पुट करोगे तो एन माइनस एन क्या होता है, जीरो होता है, जीरो फैक्टोरियल वन के बराबर होगा तो न्यूमरेटर क्या है एन फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसमें हुआ क्या कि अगर आपको आर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कितने आपने चूज करने हैं, तो अगर आपने जितने ऑब्जेक्ट हैं अगर वही सारे चूज करने हैं तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है एन फैक्टोरियल, जितने ऑब्जेक्ट उतना फैक्टोरियल ले लो। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ ये फोर लेटर्स हैं, आपने फोर लेटर्स का ही वर्ड बनाना है, तो फोर लेटर्स है ना, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करो फोर फैक्टोरियल, इसका मतलब 24 वर्ड्स आप यहाँ पे बना सकते हो। तो जितने ऑब्जेक्ट्स हो उतने ही चूज करने हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला बन जाएगा एन फैक्टोरियल। सर इसका आंसर डायरेक्ट फोर फैक्टोरियल से भी तो आ सकता था, नहीं है ऐसा नहीं होता, इसका आंसर फोर फैक्टोरियल से नहीं आ सकता, वो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर जितने ऑब्जेक्ट हैं आपने उतने ही चूज करने हैं तब इसका आंसर फोर फैक्टोरियल हो सकता था। अगर आपको कम चूज करने, जैसे चार में से तीन करने हैं, चार में से दो करने हैं, तो फिर वो फोर फैक्टोरियल नहीं होगा, फिर वो इसी फॉर्मूले से होगा जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब इसके तीसरे फॉर्मूले की तरफ आ जाओ। तीसरा फॉर्मूला मैं लिख देता हूं पहले, एन आर एस टी कर देते हैं इस तरह, और ये बराबर होगा एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल। अच्छा, इन दोनों में मैंने वही बात बताई कि रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी, जब अलाउ होगी तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज़ कर लेंगे, आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो। अच्छा, ये आखिरी वाला फॉर्मूला है, ज़रा इसको मैं समझाता हूँ, टाइम हमारे पास रह गया 2 मिनट। सर अगर हम परमुटेशन में अपने हिसाब से अरेंज करते हैं तो फिर ऑर्डर कैसे मैटर करता है? नहीं, ऑर्डर इस हिसाब से मैटर करता है कि जो आपने अरेंजमेंट की है ना उनका, जैसे आप एक लेटर है आपके पास ए बी सी डी कर लेते हैं, तीन है चार कर लेते हैं, ठीक है, अब आपने तीन लेटर का वर्ड बनाना है कोई, आपने अपने हिसाब से लिख दिया ए बी सी, फिर आपने लिख दिया ए सी बी, तो आपका कहना है कि जब हम अपने हिसाब से कर रहे हैं तो ऑर्डर कैसे मैटर कर रहा है? वो इसकी रीज़न ये है कि ए बी सी और ए सी बी ये दोनों अलग चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में फ़र्क क्या है, लेटर्स तो सेम है इनके अंदर लेकिन फ़र्क ऑर्डर का है इनके दरमियान। इसका ऑर्डर है ए बी सी, मतलब ए पहले आ रहा है फिर बी फिर सी, और इसमें ए पहले आ रहा है फिर सी आ रहा है फिर बी आ रहा है, लेटर्स तो सेम है लेकिन इनमें फ़र्क किसका है, ऑर्डर का फ़र्क है। तो जब आप कम्बिनेशन पढ़ोगे ना, कम्बिनेशन को ऑर्डर से गर्ज नहीं होता, कम्बिनेशन को ये अरेंजमेंट से गर्ज नहीं होता, कम्बिनेशन को गर्ज होता है कि लेटर्स कौन कौन से आपने चूज़ किए हैं। तो जब आप कम्बिनेशन पढ़ोगे तो ये एक ही कम्बिनेशन मानी जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसको इस तरह लिखो बी सी ए, ये भी एक ही कम्बिनेशन है, ये सब एक ही कम्बिनेशन मानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि कम्बिनेशन कहता है कि कौन कौन से लेटर आपने सेलेक्ट किए हैं, तो वो तो तीन ही आप कर रहे हो तो कम्बिनेशन तो इसको एक ही कहेगा, लेकिन परमुटेशन कहता है कि आपने किस ऑर्डर में किया हुआ है, ये ऑर्डर अलग है, ये ऑर्डर अलग है, ये ऑर्डर अलग है, तभी इसको हम, ये इसका मतलब है कि ऑर्डर मैटर कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको, नहीं आई तो पूछ लेना दोबारा। अब जरा इस फॉर्मूले पे आ जाओ, इस फॉर्मूले को आप समझोगे किस तरीके से। देखो होता है कि कब आप कभी आपने किसी ऐसी चीज को अरेंज करना है जिसमें रिपीटेशन आ रही है। अब मैं जरा डिजिट्स का बता देता हूँ आपको, लेट कर लो आपके पास डिजिट्स हैं 1 2 3 3। अब मैं आपको बोलूँ ये आपके पास चार डिजिट्स हैं, आपने चार डिजिट का ही वर्ड बनाना है, तो अभी आपने देखा था कि अगर चार डिजिट्स हों और चार का ही आपको बनाना है तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे जो चार डिजिट है ना वो आपस में डिफरेंट नहीं है, इसमें से दो ऐसे डिजिट हैं जो सेम हैं, तो अब आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये वाला फॉर्मूला सब लगेगा जब सब डिजिट आपस में डिफरेंट हो, जैसे अभी आपने देखा था कि ए बी सी डी ये सब डिफरेंट थे लेटर्स आपस में, लेकिन इसमें अगर सब डिफरेंट होते तो चार को अगर चार ही आपने चूज करने होते तो फोर फैक्टोरियल आंसर होता, लेकिन यहाँ पे कुछ लेटर्स जो हैं वो सेम हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। मीटिंग एंड हो रही है, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करोगे।
अच्छा, तो मसला आपने यहाँ पे देख लिया कि जब आपके पास लेटर्स हैं और आपने उन सबको अरेंज करना है। अच्छा, ये जो केस आता है ना, ये उस वक्त आता है कि जब आपके पास जितने लेटर हों और या जितने नंबर्स हों और उन सब को आपने एट अ टाइम अरेंज करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर चार लेटर हैं इसमें से दो को आपने अरेंज करना है तो फिर ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये फॉर्मूला उसी पर एग्जिस्ट करेगा जब आपने जितने लेटर्स हैं उन्हीं सबको अरेंज करना है और उसमें कुछ जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, इसी तरह मैं आपको किसी वर्ड की दे देता हूँ, जैसे मेरा नाम है, इसी को देख लो। अब इसमें ए जो है वो दो दफ़ा आ रहा है, रिपीटेशन हो रही है। अगर तो ऐसा वर्ड होता ना, जैसे आपके सामने लिखा होता है, कोई भी एक वर्ड लेते हैं, स्टडी। अगर आप इस वर्ड को देखो तो इसमें कुछ भी रिपीटेशन नहीं हो रही, पांच लेटर्स हैं इसके अंदर और इन पांच लेटर को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 5 factorial, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिपीटेशन नहीं हो रही, कोई लेटर जो है वो आप दोबारा नहीं आ रहा, रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन जिसमें रिपीट होगा तो उसमें अब क्या फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ इस वाले की, ये तो सेम हो गए। हम लिखते हैं वर्ड एक मैथमेटिक्स, बड़ा वर्ड है, जरा इसको हम देखते हैं। तो इस वाले की एग्जाम्पल क्या होगी भाई, अगर आप इसमें देखो तो चार, सबसे पहले जो मैंने पहले एग्जाम्पल दी थी ना ये वाली, इसकी जरा मैं देता हूँ कि इसके अंदर चार लेटर्स हैं तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले 4 factorial डिवाइडेड बाय, जो लेटर रिपीट हो रहा है, जितनी दफा वो रिपीट हो रहा है ना उतना फैक्टोरियल आप लिख दोगे। यहां पे 3 जो है ये दो दफा आ रहा है ना, तो आप 2 factorial से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 4 factorial डिवाइड बाय 2 factorial ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप इन चार डिजिट्स को अरेंज करोगे तो आपके पास कितने तरीके होंगे, 12 तरीके हो जाएंगे। इसी तरह वर्ड मैथमेटिक्स पे आ जाओ। अब आप इसमें देखो टोटल लेटर्स कितने हैं, 3, 3, 3 और 2, 11 लेटर्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 factorial डिवाइडेड बाय। अब आप देखोगे जो रिपीट हो रहा है कितनी दफा रिपीट हो रहा है, एम जो है वो दो दफा आ रहा है तो 2 factorial, ए जो है वो दो दफा आ रहा है तो 2 factorial, टी भी दो दफा आ रहा है 2 factorial, और उसके अलावा कोई रिपीट नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक। तो इस पूरी चीज को आप कैलकुलेटर में डालोगे, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा, जो भी उसकी मर्जी है आंसर आ जाएगा आपके पास। और इस चीज की नोटेशन ये भी है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ऊपर आप 11 लिखो, 2, 2, 2, बिल्कुल इसी नोटेशन में, कि अगर आपके पास n नीचे RST आया हुआ है तो R factorial, S factorial, T factorial, जितनी दफा भी कोई लेटर रिपीट हो सकता है। अगर एक लेटर 5 दफा आ रहा है तो आप नीचे 5 factorial लिख दोगे, ठीक है। और जितने ग्रुप रिपीट हो रहे हैं, जैसे लेट कर लो एक वर्ड है जिसके अंदर 20 letters हैं, ठीक है, उसमें से हर लेटर 2 दफा आ रहा है, कोई 3 दफा आ रहा है, कोई 4 दफा आ रहा है, तो आप इस तरह मल्टीप्लाई करते रहोगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये होगी। इसी तरह एक बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है कमेटी की। अब कमेटी का वर्ड देखो, 3, 3, 9 लेटर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो, एम दो दफा आ रहा है तो 2 factorial, टी दो दफा आ रहा है 2 factorial, ई दो दफा आ रहा है 2 factorial। तो इसको सॉल्व करो, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 9, 2, 2, 2, ये भी लिखने का तरीका हो जाएगा। तो ये है तीसरा फॉर्मूला जिससे आप अरेंजमेंट निकाल रहे होते हो। और ये कब होता है, जब आपने ऐसे वर्ड या ऐसे डिजिट्स या ऐसे नंबर को अरेंज करना है जिसमें कुछ लेटर एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं, तो फिर आप ये वाला सीन यूज़ करते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। अब परम्यूटेशन का कोई और फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको कुछ केसेस बता रहा हूँ कि अब परम्यूटेशन, अगर आप ये जितनी आप काम कर रहे हो ना, ये रॉ के अंदर कर रहे हो, अगर आप देखो तो इनको रॉ की फॉर्म में अरेंज कर रहे हो ना, आप इसको रॉ की फॉर्म में अरेंज कर रहे हो, इसी तरह इनको रॉ की फॉर्म में अरेंज कर रहे हो। कोई आपके पास अगर नंबर लिखा हुआ है 3, 3, 1, 2, तो अब ये रॉ की फॉर्म में पूरा लिखा हुआ है ना। अगर आपने चीज़ों को टेबल, हाँ, सर्कल की फॉर्म में अरेंज करना हो आपने, जैसे मैं आपको बोलूँ कि ये जो लेटर्स हैं इनको आपने सर्कल की फॉर्म में अरेंज करना है, तो अब मसला हो जाता है। और मसले की मैं रीज़न पूरी नहीं बताऊँगा, बस हाईलाइट बता रहा हूँ। मसला इसलिए होता है कि जो रॉ होती है उसमें आपको पता होता है कि आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है, लेकिन सर्किल के अंदर आपको नहीं पता कि सर्किल का क्या स्टार्ट है, सर्किल का क्या एंड है। अगर मैं आपके सामने एक सर्किल बनाऊं और इसके गिर्द मैं 5 लोगों को बिठा दूं, तो अब मुझे ज़रा ये बताओ सर्किल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है। सर्किल का तो कोई स्टार्ट कोई एंड नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे मसला आता है, तभी अलग से ये पूरा केस है। रीज़न मैंने पूरी समझाई भी है, अगेन वही बात मैंने शुरू में रिकमेंड तभी किया था, चैप्टर 7 मेरे चैनल पर देख लेना, बहुत मेहनत से मैंने बच्चों को पढ़ाया, बाबू तब आपको रीज़न भी समझ आ जाएगी, अभी मैं रीज़न के अंदर नहीं जा रहा।
तो अगर आपने चौथा वाला केस कंसीडर कर लो कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है टेबल की फॉर्म में, टेबल है, एक होता है टेबल और एक और प्रॉब्लम भी होगी जिसको आप नेकलेस प्रॉब्लम कहते हो, मतलब टेबल जो है वो फिक्स है ना, आपने इसके राउंड बिठाना है, लेकिन कोई ऐसे सर्कुलर होते हैं कि जिनको आप उठा सकते हो, जैसे नेकलेस हो गया आपके पास, या जो ब्रेसलेट होता है, या तस्बीह होती है, ये भी सर्कुलर शेप की, लेकिन इसको आप देख सकते हो पूरा, तो ये केस अलग होता है। अब क्यों अलग होता है, मैंने वही बात बताई कि मैंने रीजन उन सब लेक्चर्स में डिस्कस की हुई है। तो अगर आप बात करो टेबल्स की और आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, एन ऑब्जेक्ट्स, पांच ऑब्जेक्ट, छह ऑब्जेक्ट, कितने भी ऑब्जेक्ट हैं, और आपने उनको सर्किल के अराउंड अरेंज करना है, पहली बात अगर रॉ की फॉर्म में अरेंज करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। कहने का मतलब अगर आपके पास पांच बंदे हैं और उस पांच बंदों को आपने रॉ की फॉर्म में अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल, अगर सात बंदे हैं तो 7 फैक्टोरियल रॉ के अंदर। अगर टेबल के अंदर करना है तो फिर फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा अगर n ऑब्जेक्ट हैं तो कितने तरीके होंगे, n-1 फैक्टोरियल होंगे। अगर आपके पास 6 लोग हैं तो 6-1 5, 5 फैक्टोरियल तरीके से आप उनको टेबल में अरेंज कर सकते हो। अगर आपके पास 10 बंदे हैं तो 10-1 9, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल तरीकों से आप उसको टेबल के अराउंड अरेंज कर सकते हो। तो करोगे क्या, आप बस 1 माइनस कर दोगे, उतना फैक्टोरियल तरीकों से आप उनको अरेंज कर सकते हो। और आखिरी केस है जब आपके पास आ जाए ऑब्जेक्ट्स को आपने, ज्यादातर ये सवाल नेकलेस का आता है, लेकिन वो ब्रेसलेट भी आपको दे सकते हैं, कोई भी राउंड शेप, तस्बीह भी दे सकते हैं, वो तस्बीह का बोलते हैं आपको, या एक और वर्ड भी होता है यार, उसको कहते हैं वो जो लड़कियों का होता है, वाइट सा होता है, मोती होते हैं, और वो सर्कल पता नहीं क्या कहते हैं उसको, सर पे बांधा होता है, कभी हाथ में बांधा होता है, गजरा, हाँ गजरा कहते हैं उसको इंग्लिश में, मेरे ख्याल में गार्लैंड बोलते हैं उसको, कि जिसके अराउंड फूल उन्होंने रखे हुए होते हैं। बहरहाल, तो गार्लैंड का वर्ड भी आया आपके पास, नेकलेस आ जाए या इस तरह लिखा हो, ये लिखा हो, या आपके पास तस्बीह लिखी हुई हो, या आपके पास कोई भी राउंड शेप उन्होंने लिखी हुई हो जिसके गिर्द मोती हो या फूल हो या कुछ भी हो, तो फिर परमुटेशन पे क्या फर्क पड़ता है। रीजन मैं नहीं बता रहा, फर्क मैं बता रहा हूं, फर्क क्या पड़ेगा कि अगर आपने नेकलेस के अराउंड अरेंज करना है तो फर्क ये होगा कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपके पास कितने होंगे, n-1 फैक्टोरियल, बिल्कुल एज इट इज, ये बस अब आप 2 से डिवाइड कर दोगे इसको, ये फर्क पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं जिसमें तीनों केस में डिस्कस करता हूं। एग्जाम्पल क्या है कि भाई आपके पास, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, 5 पीपल्स हैं, बस ये समझ लो 5 पीपल हैं भाई, 5 लोग हैं आपके पास, और सबसे पहली बात आपको कोई बोल रहा है कि आप इनको रॉ की फॉर्म में अरेंज करो, लेट कर लो साद, हमजा, इरफान, राहील, हुमायूं, ये सब मेरे दोस्तों के नाम है, ये 5 बंदे हैं आपके पास, इनको आपने अरेंज करना है। अब अगर आपने इनको रॉ की फॉर्म में अरेंज करना है तो कितने तरीके हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। यही सवाल आ जाए कि आपने इन 5 लोगों को टेबल के अराउंड बिठाना है तो कितने तरीके होंगे, 5-1 4 फैक्टोरियल। और अब इस बात की सेंस बनती तो नहीं है, लेकिन बना लो आप कि अगर इन 5 लोगों को आपने नेकलेस के अंदर पूरा करना है तो कितने पॉसिबिलिटीज होंगी, 4 फैक्टोरियल/2, दैट्स इट। ये इन तीनों में फर्क होता है। तो तीनों वर्ड जो है कि इसी तरह देखते हैं, रॉ का आ जाएगा, टेबल का आ जाएगा, नेकलेस का आ जाएगा, तो पहचान जाना कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे। जितनी डिटेल में जा सकता था मैं उतनी डिटेल में गया हूँ। परमुटेशन का टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, अब जो कम्बिनेशन का टॉपिक है वो हम करते हैं, ठीक है। और कम्बिनेशन इतना मुश्किल नहीं है, एक ही उसका फॉर्मूला, तो मैं अभी आप लोगों को करवा देता हूँ, फिर आप लोगों की ब्रेक होगी, उसके बाद मुस्तकिल हम एग्जाम्पल करेंगे। जो प्रॉबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कल की क्लास में शुरू में हम प्रॉबेबिलिटी कर रहे होंगे और फिर चैप्टर 8 करके वाइंड अप कर देंगे उसको। तो आज की क्लास में परमुटेशन, कम्बिनेशन और उनकी एग्जाम्पल्स, दैट्स इट। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यार देखो मैंने ये बताया कि रॉ की फॉर्म में अरेंज करोगे तो 5 फैक्टोरियल तरीके होंगे, अगर 5 लोग हैं रॉ की फॉर्म में अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल, टेबल की फॉर्म में अरेंज करना है तो 5-1 4, 4 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हो, और अगर लोग को तो अरेंज नहीं कर सकते नेकलेस में, अगर लेट कर लो 5 मोती हैं आपके पास, तस्बीह के दाने जो होते हैं उनको कंसीडर कर लो, 5 दाने हैं उसको आपने पूरी तस्बीह के अंदर डालने हैं, तो 5-1 4 फैक्टोरियल, उसको डिवाइड कर दोगे 2 से।
पहले पे ये वाला फॉर्मल लगाया गया है, दूसरे पे ये वाला फॉर्मल लगाया गया है, तीसरे पे ये वाला फॉर्मल लगाया गया है। अब आ जाओ कॉम्बिनेशन पे। तो देखो कॉम्बिनेशन को समझने के लिए ना आपके लिए एक वर्ड काफ़ी है, और वो वर्ड क्या है जो आप अपने पॉलिटिशियन से बड़ा सुनते हो आजकल, सिलेक्शन, सेलेक्टर्स बोलते हैं ना, सिलेक्शन, ठीक है। और इस सिलेक्शन को डिफाइन करने के लिए एक और बात है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, डजंट मैटर, ठीक है। क्या मतलब है इसका? देखो कॉम्बिनेशन को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपने किन ऑर्डर में लेटर्स को अरेंज किया है। जैसे अगर आपके पास, मैं बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ, ए बी सी, इससे तीन लेटर्स हैं आपके पास, आपने दो लेटर का वर्ड बनाना है, तो कितने बनेंगे ज़रा बना लेते हैं। ए बी बी ए, ए सी सी ए, अच्छा बी सी सी बी, और पॉसिबिलिटी है कोई थ्री पी, थ्री का आंसर ही होता है ना, थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू, नहीं थी, हाँ ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये मैंने छः परमुटेशन यहाँ पे लिखी, ये अरेंजमेंट, ये कम्बिनेशन नहीं है, ये परमुटेशन है। क्यों? जो कम्बिनेशन है ना उसको ये मैटर नहीं करता कि आपने ए बी लिखा है या आपने बी ए लिखा है, उसको ऑर्डर मैटर नहीं करता। कम्बिनेशन ये कहता है कि यार मुझे बताओ कि लेटर्स कौन से आपने चूज़ किए हैं, मुझे ये बताओ बस। अब इन दोनों अरेंजमेंट को अगर आप देखो तो उसमें लेटर कौन से चूज़ किए हैं आपने, ए बी, तो कॉम्बिनेशन कहता है मैं इसको एक ही मानूंगा क्योंकि फालतू की आपने दो बनाई हुई है, लेटर्स तो ए भी है ना, बस आपने जितने ऑर्डर में अरेंज किया उसको मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। वो मेरे लिए ये मैटर करता है कि भाई आपने कौन कौन से लेटर चूज किए हैं। तो इन दोनों में अगर आप देखो तो आपने ए भी चूज किया है, तो कॉम्बिनेशन इन दोनों को एक ही मानेगा क्योंकि कॉम्बिनेशन कहता है सिलेक्शन, आपने कौन कौन से लेटर को सिलेक्ट किया है वो मुझे बताओ। फिर नीचे देखो, अब कॉम्बिनेशन कहेगा यार मुझे ए सी सी ए से कोई गर्ज नहीं है, असल चीज क्या मैटर कर रही है, आपने यहां पे दो लेटर चूज किए हैं ए और सी, अब आप उसको जितने भी तरीके से अरेंज करो मैं उसको एक ही मानूंगा क्योंकि लेटर्स आपने दो ही चूज किए हैं। इसी तरह इसमें आ जाओ, इसमें भी एक होगा। तो परमुटेशन ये तीन है, सॉरी परमुटेशन ये छह है, लेकिन कॉम्बिनेशन कितनी हो जाएंगी यहां पर, तीन हो जाएंगे। इसी तरह आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि अगर आपके पास ए बी सी डी चार लेटर्स आ जाए और आपने तीन लेटर का बनाना है, तो अब जरा मैं एक छह परमुटेशन आपके सामने बनाता हूं। आप लिख सकते हो ए बी सी, आप लिख सकते हो ए सी बी, आप लिख सकते हो बी ए सी या बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, और भी इसकी परमुटेशन है, यहाँ पे 24 परमुटेशन बनेंगी इसकी, चार हैं आप तीन एट अ टाइम ले रहे हो, फोर पी थ्री का आंसर 24 होगा, लेकिन मैं छः बनाएंगे अभी। तो ये जो छः परमुटेशन नज़र आ रही है ना, हकीकत में ये बस एक कम्बिनेशन है, क्योंकि वही बात, कम्बिनेशन को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपने किस ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। कम्बिनेशन क्या देख रहा है, कम्बिनेशन देख रहा है कि भाई इन छः के अंदर तीन ही लेटर है ए बी सी, तो कम्बिनेशन को ऑर्डर से मतलब नहीं है, वो कहेगा यार सब में तीन ही लेटर है तो मैं एक ही मानूंगा इसको, हाँ अगर आप लेटर चेंज करोगे फिर मैं दूसरी मान लूंगा। अगर आप ये लिख दो ना सी ए डी, तो अब कम्बिनेशन कहेगा हाँ ये दूसरी कम्बिनेशन है क्योंकि इसमें ए बी सी थे मतलब तीन लेटर ये वाले थे और इसमें यहाँ पे सी ए डी है, ठीक है। तो यहां से आपको बात समझ आई होगी, कॉम्बिनेशन में जस्ट सिलेक्शन होती है कि आपने कितने लेटर को सिलेक्ट किया है। अब जितने भी आप परमुटेशन लिख दो असल में ये एक ही कॉम्बिनेशन मानी जाएगी, ये कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला इसका बिल्कुल वही होता है जो परमुटेशन क्या है, एन पी आर, बस आप इसको डिवाइड कर देते हो आर फैक्टोरियल से, वो आपको नजर भी आ रहा है यहां पर। ये छह कॉम्बिनेशन थी ना, छह परमुटेशन थी, और हकीकत में कितनी कॉम्बिनेशन थी, एक थी, तो छः को आप क्या लिख सकते हो, तीन फैक्टोरियल। और तीन क्या था यहाँ पे, कि आपने एट अ टाइम तीन लेटर्स को चूज किया था, मतलब यहाँ पे आर जो था वो क्या था, थ्री के बराबर था। तो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हो, मतलब आर फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर रहे हो। इसी तरह यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, छः परमुटेशन आई थी ना, लेकिन हकीकत में कॉम्बिनेशन कितनी थी, तीन थी, तो आपने किससे डिवाइड किया था, टू से, टू लिखो या टू फैक्टोरियल लिखो बात एक ही होती है। और ये टू यहाँ पे क्या था, आर के बराबर था क्योंकि आपने दो चूज किए थे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि परमुटेशन के फॉर्मूले को
अगर आप r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो तो आपके पास कम्बिनेशन का फॉर्मूला आ जाता है। तो कम्बिनेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, और अगर आप एक्सपेंड करके लिखना चाहो तो npr क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये परमुटेशन है, और एक साथ आ जाएगा r फैक्टोरियल। तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा कम्बिनेशन का। कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब इस NCR को लिखने के डिफरेंट तरीके आप इस तरह भी लिख सकते हो, NR, ये भी कम्बिनेशन को शो करता है। तो आपके पास इस फॉर्म में चैप्टर 8 में तो आप ज्यादातर यही फॉर्म यूज कर रहे होते हो। तो ये NR लिखा हो समझ जाना NCR है ये, ठीक है। अच्छा, एक नोटेशन ये होती है और एक अभी आपने परम्यूटेशन में पढ़ी ये वाली, ये दोनों में फर्क है, ठीक है। इसमें देखो आपके पास अगर इस तरीके से आया तो समझ जाना ये परम्यूटेशन की बात की जा रही है, और पूरा फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल, और ये अगर खाली इस तरह लिखा हो तो ये रिप्रेजेंट करेगा कम्बिनेशन को, ठीक है। तो ये वाली नोटेशन भी यूज कर सकते हो या आप ये वाली नोटेशन भी यूज कर सकते हो। तो कम्बिनेशन का एक ही केस है, कम्बिनेशन में अगर जिन चीजों को आप सेलेक्ट कर रहे हो और अगर वो कुछ सेम हुई, जैसे आपके पास ए बी सी 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 दो दफा आ रहा है, तो फिर कम्बिनेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। कम्बिनेशन में ये जो फॉर्मूला है ये उस वक्त इस्तेमाल करते हो जब कोई रिपीट ना हो रहा, रिपीटेशन नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउ होती है तो कम्बिनेशन बड़ा मुश्किल है, और वो आपकी बुक में मौजूद नहीं है। तो जितना आप देखोगे ना इसमें रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं होती, क्योंकि अलाउ वाले केस बड़े मुश्किल होते हैं। 12 तो हाँ, ये पूरा कॉन्सेप्ट है कम्बिनेशन का। अब बस ब्रेक देने से पहले मैं कम्बिनेशन की दो तीन बातें बता दूं आप लोगों को कि कम्बिनेशन में याद रखना, अच्छा पहले कम्बिनेशन और परम्यूटेशन की कुछ वैल्यूज अगर आप याद रखना चाहो, ये एमसीक्यूज में काफ़ी पूछी जाती हैं। जैसे आपके पास बोला जाएगा NP0 बताओ, NP0 क्या होता है, तो अगर आप जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है ना उसमें आर की जगह अगर आप जीरो पुट करोगे तो ऊपर भी एन फैक्टोरियल नीचे भी एन फैक्टोरियल आ जाएगा, तो आंसर इसका 1 के बराबर हो जाएगा। करके देख लेना फॉर्मूले में, बस आर की जगह आप जीरो पुट कर देना। फिर आप NP1 निकालो, अगर आप NP1 निकालोगे तो आपके पास एन आ रहा होगा, आप आर की जगह पे 1 पुट कर देना और फिर उसको सॉल्व करना, देखना आंसर में आपके पास एन आ रहा होगा। और अगर NPN, ये तो मैंने अलग फॉर्मूला पूरा आपको बताया था, NPN बराबर हो जाएगा एन फैक्टोरियल, आप आर की जगह पे एन पुट कर देना। अच्छा नहीं यार, ब्रेक बनती है क्योंकि इसके बाद एग्जाम्पल मुश्किल है, मैं 10 मिनट की ब्रेक दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा आपको। अगर तुम लोग कहते हो सब कि नहीं चाहिए, बहुत अलग चीज़ है, क्योंकि अभी एक घंटा और पढ़ना है, फिर तुम लोग थक जाओगे, बार बार पूछोगे एक चीज़ ही, तो ब्रेक ले लो ताकि सुकून रहेगा। तो 2 मिनट बाद समझ लो जो मैं कह रहा हूँ कि सुनने ने क्या बोला था यार, अलाव वाला केस है ही नहीं ना, तो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ना आप लोगों के पेपर में आएगा ना बुक में है, वो वाला केस ही नहीं है। तो ये कुछ परम्यूटेशन की वैल्यूज है, इसी तरह कम्बिनेशन का भी आ सकता है। बताओ NC0 क्या होता है, तो अगर आप इसमें R की जगह 0 पुट करो, यहाँ पे भी R की जगह 0 पुट करो, तो ये तो 1 हो जाएगा, अगेन ये n फैक्टोरियल हो जाएगा, तो आंसर इसका 1 है। इसी तरह अगर आपको बोला जाए NC1, तो R की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, R की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, अभी भी इसका आंसर n हो जाएगा। ये आप R की जगह पुट करके देख लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर मैं बोलूँ NCN निकालो, तो NCN क्या होगा, R की जगह यहाँ पे भी n डालो, यहाँ पे भी n डालो, तो ये पूरी चीज़ 1 के बराबर होती है। NPN n फैक्टोरियल होता है, जबकि NCN 1 के बराबर होता है। तो NC0 भी 1 है, NCN भी 1 है। यहीं से मैं आपको एक और बात बताने लगा हूं, और बात यह है कि एग्जांपल से बात समझाता हूं। अगर आपके पास लिखा हो 5C2, तो ये बराबर होता है 5C3 के। कैसे, 5-2 क्या होता है, 3 के बराबर। तो 5C2 का आंसर बराबर होगा 5C5-2, मतलब 3 के बराबर। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, लेट कर लो आपके पास देखो 10C3, तो 10C3 किसके बराबर होता है, 10C10-3, मतलब 7। तो आप 10C3 की वैल्यू निकालो, आप 10C7 की वैल्यू निकालो, देखना सेम आ रही हो। ओके, इसी तरह मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ ताकि बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। 9C4 लिखा हो, ये बराबर होगा 9C9-4, 5 के बराबर। ठीक है, बस आपने 9 और 4 को माइनस करना है, वो चीज़ नीचे लिख देनी है। तो अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, तो जो NCR है ये बराबर होता है NCN-R, इसके बराबर होता है। ठीक है,
तो बस कम्बिनेशन परमुटेशन काउंटरिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड मैंने आपको सब थ्योरी कवर करवा दी है। अब ब्रेक के बाद कुछ आधा घंटा 40 मिनट में इनकी एग्जाम्पल्स करेंगे। ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को बताया जो बुक के क्वेश्चंस हैं 7.1, 2, 3 के वो आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। उसी में से कितने सवाल आपके पास आ रहे होते हैं या उसी लेवल के आपके पास सवाल आते हैं खासतौर पर एनडी में, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। कुछ मैं करवा दूंगा, कुछ आप लोग खुद ट्राई कर लेना।